हिंदुओं पर हमले, हिंदुओं पर हमले, पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदुओं पर हमले, हिंदुओं पर हमले, चाइना उत्पादकों का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, चाइना उत्पादकों का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, चाइना उत्पादकों का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, चाइना पर हमले, हिंदुओं पर हमले, पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदुओं पर हमले, हिंदुओं पर हमले, हिंदुओं पर हमले, हिंदुओं पर हमले, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, चाइना उत्पादक का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, चाइना उत्पादकों का बहिष्कार करो, चाइना उत्पादकों का बहिष्कार करो, चाइना उत्पादकों का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, पाकिस्तान। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज होलिका दहन का यहाँ कार्यक्रम है। होलिका दहन के अंदर बुराई को हमने यहाँ पर आग के हवाले किया है, वह बुराई जो तेजी के साथ भारत के साथ ही साथ पूरे विश्व के अंदर फैलती जा रही है, वो है पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान के झंडे को यहाँ पर आग के हवाले किया गया है। चाइना के जितने भी प्रोडक्ट हमें बाजार के अंदर मिले, हमारे तमाम शिव सैनिकों ने अपने घरों से लाकर आज यहाँ पर होलिका दहन के अंदर उनको आग के हवाले कर दिया गया। होलिका दहन ही बुराई की जीत है और बुराई को आग के हवाले करने का पर्व है। इसके साथ ही जो पाकिस्तान के अंदर आज हुआ उसकी हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर, पंजाब विश्वविद्यालय के अंदर हिंदू भाई जो वहाँ पर होली का पावन पर्व मना रहे थे, उन पर हमला किया जाता है, उनको घायल किया जाता है, जिसकी कड़े शब्दों के अंदर शिवसेना इकाई जम्मू कश्मीर इकाई इसकी निंदा करती है। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि विदेशों के अंदर, खास करके पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जाए। इसके साथ ही चाइना भी लगातार जो है भारतीय सरजमी की तरफ आंखें उठाकर देख रहा है, उसके नापाक कदम हमारी सरजमी पर लगातार पड़ रहे हैं, जिसकी हमारे सुरक्षाकर्मी मुंह तोड़ उसको जवाब दे रहे हैं। और हर भारतीय का इस समय फर्ज बनता है कि चाइना के ऊपर आर्थिक प्रहार किया जाए। वो आर्थिक प्रहार करने का सबसे आसान तरीका है कि चाइना के बने जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उन सबका बहिष्कार किया जाए। हम केंद्र सरकार से भी अपील करते हैं कि चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ तमाम कूटनैतिक राजनैतिक संबंधों पर विपूर्ण विराम लगाया जाए और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चाइना और पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से बंद कर दिया जाए।